मैट्रिक्स, इसे लर्न कर लीजिए। माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आता है, प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तब माइनस आता है, और प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तब प्लस आता है। ठीक, इसे आप लर्न कर लोगे तो आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। चलो उसी बेस पे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स, फिर ब्रैकेट में है, फिर माइनस थ्री माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस सिक्स। ठीक है, अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे बेटा? ये माइनस थ्री है, यहाँ पर माइनस थ्री आपने लिख लिया। ठीक, अब ये प्लस यहाँ पर दिख रहा है और प्लस यहाँ पर क्या है? माइनस है। और जब यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर गुणा होगा। ठीक, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस थ्री माइनस सिक्स हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे ये क्या है आपका? यहाँ पे ये ऐसे ब्लैंक रहेगा, इसी में फिल करना है आपको। क्या फिल करना है? कौन सा नंबर बड़ा है, लेफ्ट साइड का बड़ा है या फिर राइट साइड का बड़ा है? अब इसका इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे माइनस थ्री है, यहाँ पे माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया? प्लस हो गया, तो माइनस थ्री प्लस सिक्स। ठीक, अब आगे देखो, माइनस थ्री है और माइनस सिक्स है, दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस थ्री माइनस सिक्स कितना हो गया? माइनस नाइन हो गया। और ये माइनस थ्री प्लस सिक्स, सिक्स के पहले का नंबर जो है वो, ये सिक्स बड़ा है ना, तो सिक्स में से तीन घटाओगे, छः में से तीन घटाओगे, कितना आएगा? तीन आएगा। ठीक, तो प्लस थ्री बड़ा है या माइनस नाइन बड़ा है? प्लस थ्री बड़ा है ना, जो प्लस वाली संख्या होती है वो बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे बड़े का निशान लगाया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर तीन का हो गया। बच्चों चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको ये पैटर्न दिया गया है, इसी को आपको ये फिल करना है। ठीक है, क्या है? तेरह ग्यारह नौ सात, नीचे क्या है? 67, यहाँ पे कुछ नहीं है, और क्या है? 27 और ये सात। अब देखो पैटर्न चेक करो क्या होगा। सात और नौ में कितने का अंतर आ रहा है? दो का। नौ और ग्यारह में कितने का अंतर आ रहा है? दो का। और ग्यारह और तेरह में कितने का अंतर आ रहा है? दो का। यानी कि डिफरेंस कितने का है? दो का। ठीक, दो दो दो। ठीक, अब नीचे का देखो, नीचे में कितने का डिफरेंस आ रहा है? सात में 20 जोड़ोगे तब 27 आएगा। ठीक है, अब 27 में 20 जोड़ दो, 27 प्लस 20, सात दो दो चार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 47। अब 47 में और 67 में डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है? 20 का आ रहा है। हाँ, सात में सात गए ज़ीरो, छः में चार गए दो। अब अगर डिफरेंस जीरो 20 का आ रहा है तो इसका मतलब आपका ये पैटर्न सही है। ठीक है, जो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमें पैटर्न देखना होता है, कितने का पहला वाला कैसे जा रहा है, उसी के बेस पे हमें सेकंड वाला निकालना होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 47। ठीक है, आप आंसर लिख दोगे 47। ठीक, और दूसरा फिर क्या है? उत्तरवर्ती लिखिए। बच्चों उत्तरवर्ती मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर है उसके बाद का नंबर। पूर्ववर्ती अगर पूछा जाता है तो पहले का नंबर, ठीक, और उत्तरवर्ती पूछा जा रहा है तो बाद का नंबर, तो उसमें प्लस वन हो जाएगा। जैसे सेवन दिया गया है तो सेवन प्लस वन क्या हो गया? एट हो गया। ठीक, माइनस फाइव दिया गया है तो माइनस फाइव में प्लस वन कर देंगे तो माइनस फोर हो जाएगा। माइनस ट्वेंटी दिया गया है तो माइनस ट्वेंटी में क्या करेंगे? माइनस ट्वेंटी में प्लस वन कर देंगे तो प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस नाइनटीन आ जाएगा, इसका आंसर माइनस नाइनटीन हो जाएगा। माइनस नाइन नाइन सेवन है तो माइनस नाइन नाइन सेवन प्लस वन कर देंगे तो माइनस नाइन नाइन सिक्स हो जाएगा। ज़ीरो है तो ज़ीरो में प्लस वन करेंगे तो वन हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपको पूरा सॉल्व करना।